आरपीएफ के नया यार्ड थाना के एसआई गोपाल मीना और वरिष्ठ आरक्षक दिनेश कौशल इटारसी रेलवे स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर दूर जुझारपुर आउटर पर गश्त कर रहे थे। रेलवे ट्रैक किनारे खंबा नंबर 746/13 के पास काले रंग का लावारिस बैग पड़ा मिला, जिसे खोलकर देखने पर कंबल और कपड़े में लिपटी 3 बंदूक और बॉक्स में 10 जिंदा कारतूस रखे मिले। तत्काल जीआरपी टारसी को सूचना दी गई। थाने से कार्यवाहक रिछारिया एएसआई श्रीलाल पडरिया और महिला आरक्षक अंजलि राजपूत नागपुर आउटर पर पहुंचे, पंचनामा बनाकर बैग को थाने लेकर आए। मामले में अवैध हथियारों को जब्त कर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। जी, अभी ये वेपन मिले हैं, एक्चुअली देखने से ये वेपन जो है ये लाइसेंसी वेपन दिख रहे हैं जी। और प्रथम दृष्टया तो ये लाइसेंसी वेपन दिख रहे हैं, इसलिए इनके मालिक जो भी स्वामित्व तो है उसके संबंध में तलाश किया जा रहा है और जल्दी ही पता करके इसके बारे में आपको खुलासा कर दिया जाएगा। अभी कह सकते हैं, लेकिन अभी किसी भी चीज़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी चूंकि मालिक की जानकारी नहीं लग पाई है तो अभी उसको स्पष्ट नहीं कह सकते, और जैसे ही जानकारी मिलती है आपको। सब जगह हम लोगों ने प्रसारण करवा दिया है, रेडियो के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से भी बता दिए हैं, तो अभी सब जगह से हम लोग इसके मालिक जो भी हैं क्या प्रकरण है उसके संबंध में जानकारी ले रहे हैं, जैसे ही होता है। टाइमेड मध्य प्रदेश के लिए होशंगाबाद से जितेंद्र की रिपोर्ट।